So in our last lecture we studied a detailed account of stem and modification of stem. उसमें हमने देखा कि किस तरह से stem एक important part है और how it bears branches at its nodes और उस branches पर क्या होते हैं leaves present होते हैं और leaves का अब हम पढ़ने जा रहे हैं detailed account. Modification of stem भी हमने पढ़ लिया. Now we come to the important part of the plant that is present major on the major part of branches. Branches में major part और all of these branches they are covered with the green part and these green part are most important part and helps in photosynthesis or photosynthetic organ we can say. क्यों होता है photosynthetic organ? Because of presence of green color and the green color is due to the presence of chlorophyll. Now we come to so we see in what manner leaf is modified or what a leaf is. तो leaf as we know they are present on branches and they are exogenous in origin. Exogenous in origin means they are born externally. बाहर की सेल से ऑरिजिनेट होती है एंड नॉट फ्रॉम इंटरनल सेल एंड दे आर अराइजिंग फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम अराइजिंग फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम लेटरली लेटरल साइड पे शूट एपिकल मेरिस्टम से ही अराइज होती हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट करेक्टर. शूट एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द शूट एंड द ब्रांचेस एंड दे बियर एक्सिलरी बड इन दियर एक्सिल्स. क्या बियर करती हैं एक्सिलरी बड बियर करती हैं इन दियर एक्सिल. जहाँ पे भी बड होगी दैट पॉइंट विल बी द ग्रोइंग पॉइंट एक्सिली बड इन द एक्सिल. क्लियर. एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द नोडल पोर्शन. उस नोडल पोर्शन पे ही साइड में एक्सिलरी बड होगी. दिस इज द मेन स्टेम एंड दिस इज द नोडल पोर्शन एंड इस नोडल पोर्शन पे साइड पे वॉट एवर वी आर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू द लीफ इज अराइजिंग एक्सिलरी इन एन एक्सिलरी पोजिशन. इस तरह से साइड से अराइज होगी और उसके बेस पे क्या होगा नोड प्रेजेंट होगा. तो इस तरह से दीज आर सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स. एक्सोजेनस इन ऑरिजन अराइजिंग शूट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम लेटरली. किस तरह से लेटरली अराइज होते हैं दे आर ग्रीन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एंड ग्रीन इन कलर ड्यू टू दी फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. फ्लैट होते हैं फ्लैटेंड हैविंग क्लोरोफिल हैविंग क्लोरोफिल बिकॉज व्हाट दे हैव टू डू दे हैव टू डू द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के कारण क्या होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर. क्लियर. So we see what are various parts of a leaf. First of all, if we start with a basal part that is called the base or the stalk. It is the stalk or base-like structure by means of which leaf is present. Leaf is attached to the nodal portion. So this basal portion is called the base and it is also called the what we call it hypopodium. Hypopodium. Or it is a stalk base-like structure by means of which the leaves or the stalk of the leaf is attached to the nodal portion of the stem. So this is a base and it is having some outgrowth. इसकी कुछ outgrowth होती है जहाँ से leaf arise होती है green color की and these are also called what we call them scale leaves. नॉन ग्रीन कलर की होती हैं एंड दे आर स्केल लीव्स. दे आर जस्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द बड. बड की प्रोटेक्शन करती हैं एंड दे आर नॉन ग्रीन इन कलर. देन देर आर सम मोर आउटग्रोथ्स. वी कैन से दे आर ग्रीन इन कलर एंड दे कैन फॉर्म व्हाट वी कैन से दे आर कॉल्ड द स्टिप्यूल्स. जहाँ पे भी लीफ का बेस होता है ना उसकी उस बेस से ही आउटग्रोथ स्टार्ट होती हैं और पॉइंटेड आउटग्रोथ जिनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स. अगेन दे आर हैविंग प्रोटेक्शन टू दी दे आर गिविंग प्रोटेक्शन टू दी बड. स्केल लीव्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड स्टिप्यूल्स आर प्रेजेंट ऑल्सो समटाइम्स एंड समटाइम्स दे आर नॉट प्रेजेंट. इफ दे आर प्रेजेंट देन लीव्स आर कॉल्ड दी स्ट्यूप्यूलेट एंड इफ दे आर एबसेंट देन दे आर कॉल्ड दी एक्सट्यूप्यूलेट लीव्स. If present, then they are stipulate, and if they are absent, then they are called the leaves are called the extupulate.
In the same manner, such kind of outgrowth are present in grasses, and in grasses such kind of pointed outgrowth are called the ligules. क्या कहते हैं उनको? Ligules. Grasses में मिलते हैं ligules. So this is regarding the base, and base is also called the hypopodium or stalk-like structure. Sometimes base shows some kind of modification. वो modification क्या होती है base में? वो देखते हैं. Sometimes what happens? Base swells to form a swelling-like structure that is called the pulvinus. In case of legume plants, and it is responsible for the balancing of shocking movement, जैसे opening and closing of some of the leaves, they are due to touch. तो उसमें osmotic balance को regulate करने के लिए this swollen pulvinus is present in legume plants, and moreover in also in mimosa pudica. Mimosa pudica is a touch me not plant, all of us know, and whenever we touch that plant, it is closed, its leaves are unrolled or closed and they droop to one side. Kyun hoti hai? Because of the imbalance in osmotic concentration or the water concentration that is present inside the leaf. Sara ka sara pani kahan chala jata hai? That is in the swollen leaf base, which is called the pulvinus. So pulvinus is present in some, and in some cases base they extend. क्या करती हैं? Base they extend to form sheath, and they cover the stem completely or partially as in grasses. तो example हम ले सकते हैं grasses में they partially cover the, किसको cover करते हैं? Stem को. एक transparent sheath like structure होता है, that is elongation of base. Base की elongation होती है, ठीक है? Or we can say hypopodium की elongation, जो कि एक transparent membranous sheath like structure बनाती है, किसके चारों तरफ? Grasses की stem के चारों तरफ, ठीक है ना? And sometimes it is completely encircling, and sometimes it is incompletely encircling the stem. तो उसको पूरा कवर करती है या कई बार इनकम्प्लीट कवर करती है, एज इन केस ऑफ ग्रासेस. तो इस दीज आर ऑल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर लुकिंग एट, सिलेंड्रिकल पार्ट, और इट इज स्मूथ पार्ट बाय मीन्स ऑफ विच द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ और द लेमिना इज अटैच्ड टू द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. And this stalk-like structure is called the petiole. What we call it? इसको हम क्या कहते हैं? Petiole बोलते हैं. ठीक है? तो अब ये petiole क्या होता है? Cylindrical, और it holds the lamina upright so that maximum exposure to sunlight is maintained. किस तरह से ये maintain करता है? Stalk lamina यानी कि main leaf को, ताकि maximum sunlight पड़ सके. ठीक है? And maximum photosynthesis में हो, photosynthesis sunlight की absorption की help से ही होती है ना. तो petiole क्या करता है? इस तरह से arrange करता है leaf को so that maximum sunlight falls on the leaf. Petiole is cylindrical और semi-cylindrical and smooth in structure. कई बार cylindrical होता है एक, और कई बार semi-cylindrical होता है और smooth texture का. And sometimes petiole is absent and the leaves they are directly, जैसे कि ये stem है ना, इस पे directly leaves arise होती हैं. तो such leaves are called the sessile leaf. Sessile leaves क्या होती हैं? जिनमें petiole नहीं होता. ठीक है? These are sessile leaf, and if they are having the petiole, then such kind of leaves are called the petiolate leaves. क्या कहते हैं उनको हम? Petiolate leaves. The leaves possessing stalk-like structure are called the petiolate. The other name of petiole is mesopodium. हम उसको क्या कहते हैं? We call it mesopodium. तो mesopodium is nothing but it is stalk-like structure or petiole. Petiole होता है, and in some plants petiole is green in color. Petiole क्या हो जाता है? Green, sorry, colored हो जाता है, और it start performing, it is having variously function that we see later on in modification of flowers. में हम देखेंगे किस तरह से ये petiole और stalk-like structure किस तरह से ये क्या हो जाता है? Colored हो जाता है, और
फोटोसिंथेसिस के अलावा बहुत सारे दूसरे फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे कि अकेशिया नीलोटिका में, और उसको तब क्या कहते हैं, फिलोड बोलते हैं. तो डिटेल अकाउंट दैट वी विल सी लेटर ऑन अबाउट दिस. ठीक है, तो पिटियोल और मीजोपोडियम इज द मिडल पार्ट एंड इट इज अटैच्ड ऑन वन साइड विद द एपिपोडियम और द बेस एंड द ऑन द अदर साइड विद द लीफ लेमिना और द मेन पार्ट ऑफ द लीफ. लीफ इज द मेन पार्ट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एपिपोडियम. व्हाट वी कॉल इट, एपिपोडियम. इसको रब कर दें सो दैट वी कैन अगेन एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ लीफ. तो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट इज कॉल्ड द एपिपोडियम एंड इट इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एंड इट इज हैविंग मेन वेन्स एंड वेनलेट्स. दे आर अरेंज इन सच मैनर सो एट कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड द ऑर्गेनिक फूड मटीरियल ऑकर. मोर ओवर दे आर फॉर्मिंग द स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड दे आर मेंटेनिंग द टर्जिडिटी. क्यों होता है, क्योंकि पूरा का पूरा लीफ में ये वेन्स एंड वेनलेट्स डिवाइडेड होती हैं एंड दे कंटेन वस्कुलर टिश्यू. वस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है, जाइलम एंड फिलोयम. एंड पूरा का पूरा ये वस्कुलर टिश्यू मिडरिब में जो बेस से लीफ के बेस से एक्सटेंड होती हुई टिप तक जाती है और उसकी साइड से जो स्मॉल वेन्स अराइज होती हैं एंड ऑल दे आर मेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल. किसका, फूड मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये हेल्पफुल होती हैं. ठीक है, हम अगर देखें ना तो लीफ की बहुत सारी, जैसे कि ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज और प्लांट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द फोलिएज. और इसको अगर हम देखें तो डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर बनाती हैं लीफ. वो कौन कौन सा होती हैं वो हम पहले देखते हैं. डाइकॉटलीडंस में लीव्स क्या होती हैं, डॉर्सो वेंट्रल सरफेस होती है, फ्लैटेड होती है, बट उनका एक जो सरफेस होता है ज़्यादा उभरा हुआ होता है और दूसरा क्या होता है, ज़्यादा कम उभरा हुआ होता है. ठीक है, तो विच इज़ द प्रोमिनेंट extended part and the non-extended part that we see. So in case of dicotyledons, what happens in case of dicotyledons? Dicotyledons mein dorsiventral leaves are present. Leaves are dorsiventral. Lamina kya hota hai? डॉर्सीवेंट्रल. वट इज मेंट बाई इट, डॉर्सीवेंट्रल कंडीशन क्या होती है, डिस्टिंक्ट डॉर्सल सरफेस. और डॉर्सल सरफेस जो होती है ना, दैट इज ए अबैक्सियल सरफेस और द लोअर सरफेस ऑफ लीफ. ऐसे जब हम लीफ को देखेंगे ना तो ऊपर का सरफेस तो एडेक्शियल और वेंट्रल, लोअर सरफेस जो होता है ना दैट इज टूवर्ड्स द सॉइल, उसकी तरफ जो नीचे की अवे फ्रॉम द प्लांट वाला सरफेस, उसको हम अबैक्सियल सरफेस बोलते हैं. दैट इज एक्सटेंडेड, वो नीचे से उभरा हुआ है और ऊपर का जो है वो बीच में डिप्रेस हुआ हुआ. ठीक है ना, ऊपर का पार्ट ऐसे लगता है जैसे कि इनवेजिनेट हुआ हुआ है, अंदर की तरफ चला गया है, और नीचे का पार्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट नीचे से नजर आता है. एंड दैट पार्ट इज डॉर्सल और अबैक्सियल सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, अबैक्सियल. एंड वेंट्रल इज, अबैक्सियल इज लोअर और वेंट्रल इज अपर, और इसको हम एडेक्शियल सरफेस भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल देम, एडेक्शियल सरफेस. एंड दीज कंडीशन आर प्रेजेंट इन केस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ. डॉर्सी वेंट्रल लीव्स आर प्रेजेंट इन डाइकॉटलीडंस. किस में होती है, डाइकॉटलीडंस में होती है. और मोनोकॉटलीडंस में इफ वी सी, मोनोकॉट्स में लीव्स कैसी होती हैं, मोनोकॉटलीडंस में आइसोबाइलेटरल लीव्स, नो सच काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट सरफेस, बोथ दी सरफेस आर इक्वल होती हैं. आइसोबाइलेटरल मीन्स हैविंग बोथ दी सरफेस इक्वली फ्लैटेंड, बोथ द सरफेस, बोथ दी सरफेसेस इक्वल या इक्वली फ्लैटेंड. क्लियर, तो दिस इज रिगार्डिंग दी लेमिना दैट
is dorsiventral in case of dicotyledons, and monocotyledons mein kya hoti hain? Ventrals. And lamina is supported with the help of veins and veinlets. So, is tarah se we have seen morphology, aur kis tarah se morphology vary karti hai, leaves ki arrangement, leaf ka size, form, and they all vary in different species. Jitni bhi different plant species hai na, sab mein alag alag tarah ki leaf, unka shape alag hoga, form alag hoga, aur what we can say, sizes will be different, and some will be simple and some will be compound. To ye simple aur compound kya hoti hai, wo hum baad mein dekhenge. Aur major hum some characteristics study karenge. Iske baad, just before that, we should know ki leaves hum kehte kin kin ko hai. Plants ke kin kin parts ko hum leaves keh sakte hai, aur what are various types of leaves on common basis. Commonly agar hum leaves ko naam dena to kaun kaun si leaves hain, jaise ki maine aapko bataya ki jo trees par present hai, collectively they are called the what we call them foliage leaves. Unko hum kya kehte hain? Foliage leaves. But there are some another leaves, jaise ki seeds ke andar, dicotyledon seeds ke andar, whenever they are starting germination, some leaf-like structures appear first of all. To ye dicotyledons ko hum bol dete hain, cotyledon leaves. We call them cotyledon leaves. To we see what are various leaves. Cotyledon leaves, cotyledon leaves in case of cotyledons in seed. सीड में होती हैं, सीड के कॉटलीडंस में टू किस में हो गई, डाइकॉटलीडंस में, एंड वन किस में हो गई, मोनोकॉटलीडंस में. तो ये जब भी क्या करते हैं, व्हेन एवर दे आर सोन इनसाइड द सॉइल, दे स्टार्ट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं. और इसके अलावा और भी देखते हैं, व्हाट आर वेरियस अदर काइंड्स ऑफ लीव्स. स्केल लीव्स आर ऑलरेडी टोल्ड यू. स्केल लीव्स जो होती हैं, दे आर नॉन ग्रीन इन कलर, अराइजिंग इन द एक्सिल ऑफ द, जैसे कि ब्राउनिश कलर की होती हैं, और बड की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं. बड की प्रोटेक्शन करती हैं, और ब्राउन कलर की, एंड दे आर अगेन मोडिफाइंग इन सम, जैसे कि अनियन की जो लीव्स हैं, स्केल लीव्स ही होती हैं जो फूड स्टोर करती हैं, एंड दैट वी ईट, जिसको हम ईट करते हैं. और स्केल लीव्स क्या करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं बड कंडीशन में, बड को, जर्मिनेटिंग बड को. फोलियज लीव्स तो होती ही हैं फ्लावर्स के अंदर, सेपल्स एंड पेटल्स जो उसके प्रोटेक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, दे आर ऑल्सो लीव्स. क्या होती हैं वो भी एक तरह के लीव्स ही हैं. सम आर कलर्ड एंड सम आर ग्रीन, जैसे सेपल्स आर आउटर वॉल green in color and petals are colored, they are all collectively called the leaves, and they are protecting the under floral, under reproductive parts of the flower. Moreover, there are some another specialized leaves which are called the bracts. Bracts kya hoti hain? They have flowers. Bracts are leaf like structures jinki axil mein kya hota hai, flower hota hai. And these bracts are colored हो जाती हैं, जैसे कि example हम लेते हैं bougainvillea. Bougainvillea में जो हमें colored petal like structures नज़र आते हैं ना, they are bracts. Bract होती हैं, ठीक है, outgrowth होती हैं, और sometimes they are green in color as in case of maize. मकई में जो seeds को cover करती हैं corn को green color की, they are also bract. तो इस तरह से दे आर ऑल्सो आउट ग्रोथ एंड दे आर कॉल्ड दी लीव्स. उनको भी हम क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं. स्पोरोफिल्स आर ऑल्सो लीव्स. स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, स्पोर बियरिंग रिप्रोडक्टिव पार्ट. जैसे कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में तो कौन बनाते हैं ना, स्पोरोफिल्स, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनाते हैं. फ्लावर में जो स्टेमन एंड कार्पल reproductive part hai, and what they are nothing but specialized leaf, and they are reproductive part of the plant. So greater, broader way mein I have told you ki what are kin kin ko hum leaves keh sakte hain. All these are different leaves. Now we see in what manner the leaves, they are arranged on the stem. Stem mein kaise arranged hoti hain, to first of all arrangement of leaves is called the arrangement of leaves. On the stem is called the
फिलोटैक्सी. फिलोटैक्सी क्या होता है? इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम. किस तरह से ये अरेंज होती हैं? दे आर अरेंज इन सच ए मैनर सो दैट दे गेट कैन गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट, कि मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर सकें. तो इस बेसिस पे हम देखते हैं देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लीव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट कॉमन टाइप इज ऑल्टरनेट और स्पाइरल. अल्टरनेट और स्पाइरल लीफ क्या होती हैं? जिसमें इफ़ वी टॉक अबाउट दी लीफ, जैसे कि हमें मालूम है नोडल पोर्शन पे प्रेजेंट होती हैं. वन लीफ इज प्रेजेंट एट वन नोड, अनदर लीफ इज प्रेजेंट एट अनदर नोड इन ए स्पाइरल मैनर. ये स्पाइरल मैनर में नज़र आ रही है ना. तो इस तरह से एट दी ईच नोड द लीव्स आर अरेंज इन एन ऑल्टरनेट मैनर. ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होती हैं एंड सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड दी ऑल्टरनेट और स्पाइरल अरेंजमेंट. और ये किसमें हमें देखने को मिलता है? अल्टरनेट और स्पाइरल अरेंजमेंट इन शू फ्लावर में वी हैव सीन, और वी हैव सीन इन सम रोज इन ग्रासेस. ग्रासेस में भी मिलता है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्रासेस आर देयर और मेनली शू फ्लावर. शू फ्लावर इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसको कॉमन नेम क्या बोलते हैं? शू फ्लावर. ठीक है, उसमें इस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिलती है. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दे फॉर्म टू रोज, तो उसको हम बोल देते हैं मोनोट्राइकस कंडीशन. समटाइम्स दे आर अरेंज इन सच ए मैनर दैट दे फॉर्म, ऐसे लगता है कि टू रोज नजर आ रही है. जैसे एक नोड पे ये प्रेजेंट है, एक पे ये प्रेजेंट है. कई बार क्या होता है कि एक नोड पर एक से भी ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट होती हैं, और एक से ज़्यादा लीफ जब वो प्रेजेंट होती है ना, तो वो स्पाइरल फॉर्म में डिस्टिंक्ट रोज बनाती है. मोनोट्राइकस रोज, डाइट्राइकस, टेट्राट्राइकस, और मोस्ट कॉमनली उसको हम क्या कह देते हैं? ऑर्थोट्राइकस, जब एक से ज़्यादा रो बनाएंगी. और वो हमें उसका कैसे पता चलता है? जब हम उनके बेस को टच करने के लिए एक थ्रेड लेते हैं ना, और थ्रेड से उसकी अरेंजमेंट देखते हैं कि किस तरह से वो रोज एक नोड पर some of the leaves are present, दूसरे नोट पे some another leaves are present in distinct manner. ठीक है, और इस तरह से वो एक spiral सा structure बनाएंगी. एक leaf, इनके arrangement इस तरह से हो जाते हैं कि form तो spiral like structure होती हैं, but there are more leaves. Leaves ज़्यादा होती हैं और अलग अलग जगह पे उनकी arrangement होती है, होती spiral ही है. ठीक है, तो ये हो गया alternate और spiral leaves. तो but we have to learn this term alternate or spiral. में shoe flower is an example. Whatever is in our NCERT, we have to keep more in that in mind, our mind. Next आता है opposite. Opposite में when there are two loaves and they are present opposite to each other. Two leaves होती हैं एक दूसरे के opposite. And when they are in same plane, तो उसको हम कहते हैं opposite superposed कंडीशन. ओपोजिट सुपरपोज्ड. सुपरपोज्ड में क्या होते हैं कि व्हेन टू लीव्स आर प्रेजेंट इन एट ईच नोड एंड दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, एक लीफ के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, इस तरह से ये ओपोजिट कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं, उसको हम कहते हैं ओपोजिट सुपरपोज्ड लीव्स. एंड दिस कैन बी गिवन, इसका एग्जांपल ओपोजिट सुपरपोज्ड का हम देख सकते हैं किसमें. दिस इज प्रेजेंट इन जामुन में. जामुन में वी कैन सी, और ऑपोजिट डेक्यूसेट वी हैव सीन इन तुलसी. ऑपोजिट डेक्यूसेट में क्या होते हैं? ऑल्टरनेट टू ईच अदर. पहले तो इसमें ऑपोजिट सुपरपोज्ड में जामुन इज बेस्ट एग्जांपल, और सुपरपोज्ड ऑपोजिट डेक्यूसेट कंडीशन में व्हाट हैपन्स? ऑपोजिट डेक्यूसेट कंडीशन में we see the leaves, they are arranged in such manner so that they appear right angle to each other, and in this manner we can see there are four rows form. Four rows ऐसे लगता है कि बनी हुई नजर आती हैं. जैसे इस leaf के कारण एक row हो गई, इसके नीचे जब दूसरी leaf आएंगी ना, तो what we see कि जैसे ये एक row इधर हो गई, एक दो, एक रो ये हो गई, एक रो इसके नीचे जब आएगी इसी की तरह की ऐसे ही चलती हुई नजर आएगी, दो, तीसरी इस लीफ के नीचे, चौथी इस लीफ के नीचे. तो इस तरह से वी विल, व्हाट वी आर लुकिंग एट कि वी विल बी फाइंडिंग फोर रोज इन ऑपोजिट डेक्यूसेट. ऑपोजिट डेक्यूसेट में क्या होती है? लीव्स एट ईच नोट आर राइट एंगल टू दी अनदर नोट.
एक नोट पर लीव्स, दूसरी नोट पे लीव्स के एट राइट एंगल है, जैसे ये वाली है दूसरी इसके एट राइट एंगल होंगी, तो इसको हम बोल देते हैं लीव्स एट ईच नोट आर एट राइट एंगल टू द अदर पेयर ऑफ लीव्स, अदर पेयर ऑफ लीव्स एट अदर नोट, एट अदर नोट। तो ये कंडीशन किसमें हो गई, दिस हैज बीन फाउंड इन तुलसी, किसमें मिलता है, तुलसी का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ड कंडीशन, वॉल्ड कंडीशन मोर देन टू लीव्स आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा एक ही नोट पर प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्स्टोनिया में वी कैन सी एल्स्टोनिया, और कनेर भी, वर्न कनेर, एल्स्टोनिया इज अनदर नेम, और कनेर भी एक ट्री है, उसमें भी लीव्स इस तरह से ही मिलती हैं देखने को। तो दिस इज रिगार्डिंग दी फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सिस इज मोर ऑफ अरेंजमेंट, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप इज स्पाइरल फॉर्म और ऑल्टरनेट फॉर्म, एंड व्हाट वी कैन से क्या कहते हैं ऑपोजिट सुपरपोज कंडीशन इन केस ऑफ जामुन, ऑपोजिट डेक्यूसेट कंसिशन वी हैव सीन इन केस ऑफ तुलसी, मोर ऑफ सॉरी एवरी टाइम इट इज स्पेसिफिकली, तो और वर्ल्ड कंडीशन में वी कैन से मोर देन टू और टू लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड फॉर्मिंग ए वर्ल्ड कंडीशन, ग्रुप बनाती हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक विच इज दैट टॉपिक, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी सी वेनेशन क्या होता है। तो वेनेशन में वेनेशन इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेन लेफ्ट, अभी मैंने आपको बताया वेन्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है लीफ के लिए बिकॉज दे सप्लाई वॉटर एंड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक फूड मटीरियल, वेन एंड वेनलेट्स, वेनलेट्स क्या होती है स्मॉल वेन्स, दे अराइज फ्रॉम द मेन वेन, एक तो मिड जो मेन वेन सेंट्रल पार्ट में होती है ना, अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लमीना टू द अपटिप, इसको तो हम कह देते हैं व्हाट वी कॉल इट, इट इज ए मिड रिप, इसको हम कह देते हैं मिड रिप। अब ये मिड रिप को मेन वेन बोला, इसकी साइड से जो मेन अराइज होंगी ना दे विल बी, वी विल बी कॉलिंग देम वेनलेट्स, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट को, पूरे अरेंजमेंट को लीफ के ऊपर, उसको व्हाट वी कॉल इट वेनेशन, वेनेशन बोलते हैं, एंड इस अगेन ऑफ टू टाइप, अगेन टू टाइप में इफ वी टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन इज नेटवर्क लाइक कि देयर इज ए मिडरिप एंड द साइड वेन्स दे अराइज फ्रॉम द मिडरिप एंड दे फॉर्म ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इसको हम रेटिकुलेट या रेटिकुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। रेटिकुलम क्या होता है, नेटवर्क, मेन वेन अराइज होती है फिर उसकी वेनलेट्स उस मेन वेन से अराइज होती हैं एंड ऑल दे फॉर्म दी स्मॉल वेनलेट्स वेन्यूल्स, वेनलेट्स से भी स्मॉल जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम वेन्यूल्स बनाते हैं बोलते हैं, ऑल दे आर एक्सटेंडेड, दे आर कंप्लीटली कवरिंग द लीफ एंड दे आर फॉर्मिंग ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसमें होता है, डाइकोटिलेडंस में, हमें पता है ना ये डाइकोटिलेडंस का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, डाइकोटिलेडंस में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये भी किसकी भी टाइप्स क्या होती है रेटिकुलर वेनेशन में, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिकोस्टेट कंडीशन होती है रेटिकुलर, यूनिकोस्टेट में विस्कियन के से आपको कि इस दे आर मोर इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दे आर सप्लाइंग दी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है ना, तो इसमें दे फॉर्म दी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तो रेटिकुलेट बोलते हैं, रेटिकुलेट में मेन वेन और उससे जो वेनलेट अराइज होती हैं ऑल दे फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इट इज फाउंड इन डाइकोटिलेडंस। अब इसमें भी दो तरह की होती है रेटिकुलेट वेनेशन में, यूनिकोस्टेट रेटिकुलर कंडीशन और पिनेट कंडीशन, इसमें भी यूनिकॉट रेटिकुलर में वन इज कन्वर्जेंट,
कन्वर्जेंट मीन्स मेन वेन तो होती है और उसकी जो वेनलेट्स अराइज होती हैं दे ऑल्सो मूव फ्रॉम बेस एंड कन्वर्ज इकट्ठी हो जाती हैं अपेक्स की तरफ और उनके साइड से व्हाट वी कैन से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वेनलेट्स का निकलता है और पूरा का पूरा एक्सटेंड करता है लीफ लेमिना में. तो दिस कन्वर्जिंग कंडीशन इज फॉर्म इन ज़िज़िफ़स. ज़िज़िफ़स की लीफ ऐसे ही होती हैं. लूफा में डाइवर्ज कर जाती हैं मेन वेन्स एंड वेनलेट्स और उसके जो वेन्यूल्स होती हैं स्मॉल वेरी स्मॉल वेनलेट्स दे फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज सीन इन लूफा. अब हम देखते हैं अनदर कंडीशन ऑफ वेनेशन. इसमें तो रेटिकुलेट देखी थी ना. नाउ वी कम टू दी व्हाट इज पैरेलल कंडीशन. पैरेलल कंडीशन में वी सी मीडियर इज मेन वेन और वेनलेट्स दे अराइज क्या होती हैं दे ऑल्सो रन पैरेलल टू ईच अदर. ये फैन पाम का एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं बनाना की लीव्स का. ठीक है, बनाना की लीव्स में इस तरह से देखने को मिलता है मेन वेन्स पैरेलल होती हैं, ऑल दे रन पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, इफ दे आर कन्वर्जिंग कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता. इसमें सब प्रोमिनेंट वेन्स होती हैं, बीच वाली मिडल जो वेन होती है थोड़ी सी ज्यादा मिडरिप थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है. रेस्ट ऑफ द वेन्स दे जस्ट अराइज फ्रॉम द बेस एंड कन्वर्ज टुवर्ड्स द अपेक्स. सच ए कंडीशन इज पाल्मेट कंडीशन, यूनिकॉस्टेट, पाल्मेट और यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन, पाल्मेट कंडीशन और कन्वर्जिंग कंडीशन वी हैव सीन इन बनाना. बनाना में मिलती है कन्वर्जिंग कंडीशन. और जब मेन वेन्स जब डाइवर्ज हो जाती हैं, ऐसे ऐसे डाइवर्ज हो रही है ना, ऑल दिस इज कंडीशन सीन वी कैन सीन फैन पाम, पाम ट्रीज में देखने को मिलती है. दिस इज डाइवर्जन. ठीक है ना, इसको म्यूनिकॉस्टेट नहीं मल्टीकॉस्टेट बोलते हैं. पाल्मेट और मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट, मल्टीकॉस्टेट पैरेलल कंडीशन में कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. मल्टीकॉस्टेट क्यों बोलती हैं कि बहुत सारी वेन्स दे रन पैरेलल फ्रॉम बेस टू द अपेक्स. इफ दे आर कन्वर्जिंग दैट वी हैव सीन इन बनाना, इफ दे आर डाइवर्जिंग दैट वी हैव सीन इन फैन पॉम. तो दिस इज रिगार्डिंग द कंडीशन, रिगार्डिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्जाम्पल ऑफ इस तरह से हमने और टॉपिक खत्म किए. फिलोटैक्सी वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड वेनेशन और जनरल अकाउंट ऑफ लीफ. नाउ वी सी व्हाट आर वेरियस अदर काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन कि लीफ में और व्हाट वी हैव टू स्टडी. इसमें हमने और टॉपिक्स पढ़ने हैं कि मॉडिफिकेशन क्या होती है लीव्स की, किस तरह से वो मॉडिफाई हो जाती हैं, सिंपल लीव्स क्या होती हैं, कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं. अभी तो हमने इसके थ्री टॉपिक्स पढ़े हैं, मेनली फिलोटैक्सी, जनरल अकाउंट ऑफ लीफ एंड द वेनेशन. वेनेशन में वी हैव सीन यूनिकॉस्टेट रेटिकुलर क्या होती है, यूनिकॉस्टेट और सॉरी मल्टीकॉस्टेट पैरेलल कंडीशन और पॉलमेट क्या होती है. कन्वर्जेंट वी हैव सीन इन बनाना, वी हैव ऑल्सो सीन इन ग्रासेस और बैम्बू में भी देखने को मिलता है. ठीक है, और इसी तरह से डाइवर्जेंट फैन पॉम में वी हैव सीन. तो दिस इज रिगार्डिंग द वेनेशन एंड फिलोटैक्सी. नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी इन लीफ.